कल आपने गजियापुर पंचायत से नॉमिनेशन किया जी, इस चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से ही हम कहना चाहेंगे कि हमारी पत्नी जो है आरती देवी, कल हम नॉमिनेशन कराए हैं, मुखिया प्रतिनिधि हुए आप। जी जी, मुखिया प्रतिनिधि हुए। देख रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि को, उनसे बातचीत हो रही है। जी जी, पत्नी का नाम बताइए। आरती देवी जी। बोलिए। हमारा जो काम है सोशल वर्कर का काम है, हम पिछले 15 साल से सोशल वर्कर का काम करते हैं। जो भी हमारे पास क्षेत्र के जो भी समाज हो, जो हमारे पास आया है, हर एक इंसान को मदद किए हैं। और अभी मुखिया प्रतिनिधि हुए हैं जी, आपकी पत्नी मुखिया के चुनाव लड़ रही है, आपका मुद्दा क्या है पंचायत में? मेरा मुद्दा यही है कि हमारे जो पंचायत में जो भी काम हो रहा है उसको सही ढंग से करना है। जो सही, जो अभी हमारे ये बाढ़ राहत है, कुछ लोग को आया है, कुछ लोग को नहीं आया, कुछ लोग को पिछला सूची में नाम गड़बड़ हो गया, जिसका आया था उसका नहीं आया, कुछ लोग नया को नाम जोड़ दिया गया, वो सब चीज़ में सुधार करना। राशन के लिए गरीब आदमी इधर से उधर भटक रहा है, आज तक जो वाजिब आदमी है उसका कार्ड नहीं बना है। जिसको राशन कार्ड उचित गरीब को मिलना चाहिए, ऐसे अधिकांश गरीब हैं जिनको आज भी राशन मुहैया नहीं होता है। उस सब चीज़ को सुधार करना, नली गली का काम करना, हमारे क्षेत्र का विकास हो, कैसे हो वो हम करेंगे। भ्रष्टाचार हटाएंगे। आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? ये हमारा क्षेत्र है, हम पिछले 15 वर्ष से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके पहले सामाजिक वर्कर हैं जी, हम सोशल वर्कर है जी। जनता आपको मौका देती है? जी बिल्कुल देती है। तो आप अपने पंचायत का विकास किस प्लानिंग के तहत कीजिएगा? सबसे पहले जो भी हमारे मजदूर वर्ग है उसके बारे में हम विचार करेंगे। मनरेगा के तहत चाहे जो भी हो, जो भी सरकारी सुविधा हो, हर एक घर में देने का प्रयास करेंगे। और सबको मान सम्मान, ये हमारा पहला मुद्दा है कि सबको मान सम्मान देना है। और इस क्षेत्र में कुछ शिक्षा का भी काम हमको करना है। ये तो संभव नहीं है कि एक मुखिया का नाते हम इतना बड़ा काम करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ काम हम कर चुके हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पंचायत को एक विकसित, शिक्षित और रोजगार वाला पंचायत बनाएं। अभी तक आपने कोई शिक्षा पर काम किया है क्या? जी जी जी, एक हमारे गांव में एक फार्मेसी कॉलेज बन रहा है, जिसके लिए हम जमीन वमीन आवंटित वगैरह सब कुछ करवाए हैं, और उसमें काम चल रहा है। अभी तीन तालाब उसका ढलैया चल रहा है, तीसरा तालाब पर ढलैया चल रहा है। LT कॉलेज ऑफ फार्मेसी फरादा आरा भोजपुर इधर साइड में बन रहा है, जाकर देख लीजिएगा। हमारे पंचायत का नहीं, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा काम है। पिछला बार जिला परिषद का चुनाव हम लड़े थे। अच्छा जी, पिछला बार जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, 265 वोट से चुनाव हम हारे थे। उसके पहले 2011 में हम समिति का चुनाव लड़े थे, उस समय थोड़ा सा जो मेरा एज था वो कम था, 20 और 2011 में चुनाव हुआ हमको, शायद यही लगभग 2009 में अक्टूबर या नवंबर महीना में, हम पहले झारखंड में रहते थे, तो झारखंड से नवंबर दिसंबर में वहाँ से जो भी काम हम करते थे छोड़कर आ गए यहाँ। और आने के बाद हम यहाँ इस अपने पंचायत में आरा शहर में अपना रोजगार के तलाश किए, तो अपना काम भी कुछ हल्का फुल्का काम भी करते हैं। इसमें हमको जनता लोग सपोर्ट किया कि नहीं, तुम तो घूमता, हर एक आदमी को दुख तकलीफ में काम आता है, तुम समिति का चुनाव लड़ो। हम समिति का चुनाव लड़ गए। समिति का चुनाव लड़ने का नतीजा हुआ कि उस समय पंचायत में हमको अधिकांश आदमी पहचानता नहीं था, बहुत कम लोग पहचानता था, इसलिए कि हम बाहर रहते थे। फिर भी हमको लमसम 450 वोट आया था। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, ये इसमें आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अपने पंचायत के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे पंचायत में जो भी काम हो रहा है उसको सही तरीका से करना है। जो भी हो रहा है, जो भी हमारी सरकारी सुविधा है उसको सही तरीका से करना है। अभी हमारे पंचायत में, अदर पंचायत में जाइए देखिए कितना बड़ा बड़ा सब नली गली। क्या आपके पंचायत में सरकार द्वारा प्रायोजित 7 निश्चय योजना लागू है? है, लेकिन धरातल पर नहीं है जी।
यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। अदर पंचायत में जाइए। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश साहू, ग्राम फरहादा, पोस्ट नथमलपुर, गजियापुर पंचायत के। हमारी पत्नी आरती देवी मुखिया का प्रत्याशी है, हम उनका प्रतिनिधि है। थैंक यू।